हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को इंग्लिश से उवित है भारत सारे यूट्यूब है चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने एडजेक्टिव से नाउन बनाने की प्रक्रिया को पढ़ रहे थे और उसी एडजेक्टिव से नाउन बनाने की प्रक्रिया का यह है आपका थर्ड भाग है। एडजेक्टिव से नाउन बनाने की प्रक्रिया का यह है तीसरा भाग बाबू है, तीसरा भाग है। ये पार्ट आपका थर्ड है एडजेक्टिव से नाउन बनाने की प्रक्रिया। इसके पहले मैंने इससे संबंधित दो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ भरत सर पर अपलोड कर दिया है। आप वहां से उन दोनों वीडियो को अच्छे से देख लें, समझ लें, उसके बाद इस वीडियो को देखने का प्रयास करें ताकि आपको अच्छी से बात समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां देखिए, सबसे पहला एडजेक्टिव हम लोगों के पास है ग्लोरियस, ग्लोरियस जिसका हिंदी होता है शानदार, शानदार। इस ग्लोरियस एडजेक्टिव का आपका नाउन है ग्लोरी, ग्लोरी जिसका हिंदी होता है कीर्ति, कीर्ति। ग्लोरियस एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है शानदार और इसका नाउन होता है ग्लोरी जिसका हिंदी हो गया कीर्ति। सेकेंड वर्ड आपके पास है गैलेंट, गैलेंट एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है वीर, 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 वीर। इस गैलेंट का जो नाउन होता है वह आपके पास है गैलेंट्री, गैलेंट्री जिसका हिंदी होता है वीरता, वीरता, वीरता। अगला एडजेक्टिव है हम लोगों के पास है ग्रैंड, ग्रैंड, ग्रैंड एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है शानदार, जिसका हिंदी होता है शानदार। और इस ग्रैंड से नाउन जो बना है ग्रैंडियर, ग्रैंडियर जिसका हिंदी होता है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत भी कहा जा सकता है। तो ग्रैंड एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है शानदार और इसी एडजेक्टिव से बना है आपका नाउन ग्रैंडियर जिसका हिंदी होता है प्रतिष्ठा। आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ रहा होगा तो अच्छा लगे तो बाबू और अपने भाई तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। जो भी नए सब्सक्राइबर होंगे आप इस चैनल को बेल आइकन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को आराम से मिलते रहे। देखिए अगला वर्ड बाबू है गे, जी ए वाई, गे का हिंदी होता है समय लैंगिक, समय लैंगिक। और इसी गे से जो नाउन बना है गेईटी, गेईटी जिसका हिंदी होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता। अगला वर्ड हम लोगों के पास बाबू है गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड का मतलब होता है अच्छा। और यहाँ पर नाउन देखो गुड से बना है गुडनेस, गुड एडजेक्टिव है जिससे नाउन बना गुडनेस और इस गुडनेस का हिंदी होता है दयालुता, गुडनेस का हिंदी होता है दयालुता। अगला वर्ड मेरे भाई है ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न, खुश, हैप्पी जिसे आप कहते हो। तो ग्लैड एडजेक्टिव है जिसका हिंदी हो गया प्रसन्न और इस एडजेक्टिव से नाउन जो बना है उसका नाम है ग्लैंड, ग्लैडनेस, ग्लैडनेस, ग्लैड से, सॉरी यहाँ एन नहीं होगा बाबू, यहाँ से एन हम हटा देते हैं, ग्लैडनेस, ग्लैडनेस का हिंदी होता है प्रसन्नता, ग्लैड का हिंदी है प्रसन्न, ग्लैडनेस का हिंदी होता है प्रसन्नता। अगला एडजेक्टिव है आप लोगों के पास है हाई, हाई एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मतलब होता है ऊंचा, हाई एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मतलब होता है ऊंचा और हाई एडजेक्टिव से नाउन बना है हाइट, हाई एडजेक्टिव से जो नाउन बना है वह आपका है हाइट और हाइट का आपका हिंदी होता है ऊंचाई, ऊंचाई, आप लोग जानते भी होंगे।
इसके नेक्स्ट अगला आपके पास वर्ड दिया गया है हार्ड, HARD। हार्ड एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है आपका कठिन, कठोर भी कह सकते हो। और इसे हार्ड एडजेक्टिव से जो नाउन हम लोगों के पास बना है उसका नाम है हार्डनेस। हार्डनेस जिसका हिंदी होता है कठोरता, कठोरता। तो इसके आगे देखते हैं बाबू कि आपके पास वर्ड दिया गया है हार्ड हो गया था। देखिए नेक्स्ट वर्ड हम लोगों के पास आपके पास है हार्ड के बाद आपका आता है हम्बल। हम्बल 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 एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है विनम्र, विनम्र। और इसी हम्बल से जो बना नाउन है उसका नाम है ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी जिसका हिंदी होता है विनम्रता, जिसका हिंदी होता है विनम्रता, विनम्रता। तो हम्बल एडजेक्टिव है जिसका हिंदी हो गया नाउन हुआ ह्यूमिलिटी और हिंदी कहते हैं विनम्रता। नेक्स्ट एडजेक्टिव हम लोगों के पास है हॉट, HOT। हॉट का मतलब होता है गर्म। और इसे हॉट से बना जो नाउन है उस नाउन का नाम है हीट, हीट जिसका हिंदी होता है गर्मी। तो आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पे बात का पता चल गया, हॉट एडजेक्टिव है, हीट नाउन है, तो हीट बना किससे, हॉट से बना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों के पास बाबू है ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब होता है मानव। और इसी ह्यूमन एडजेक्टिव से बना है ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी जिसका हिंदी होता है मानवता, जिसका हिंदी होता है मानवता। तो ह्यूमन एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव से जो नाउन बना है ह्यूमैनिटी, 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 सॉरी यहाँ HU होगा, ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट एडजेक्टिव आपके पास है हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी। हैप्पी का हिंदी होता है खुश, हैप्पी का हिंदी होता है खुश। यह एडजेक्टिव है और इसी एडजेक्टिव से बना हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जिसका हिंदी होता है खुशहाली, खुशहाली। तो हैप्पी एडजेक्टिव से हैप्पीनेस नाउन बना जिसका हिंदी हो गया खुशहाली। इसके अगला वर्ड बाबू है जस्ट, जस्ट एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है तुरंत या उचित, तुरंत भी कह सकते हैं उचित भी कह सकते हैं। और इसी जस्ट एडजेक्टिव से नाउन बना है जस्टिस, जस्ट एडजेक्टिव से नाउन बना है जस्टिस। जस्टिस का हिंदी होता है न्याय, जस्टिस का हिंदी होता है न्याय। नेक्स्ट एडजेक्टिव है इनफेरियर का बाबू है इनफेरियर, इनफेरियर, इनफेरियर का मतलब होता है घटिया, घटिया, इनफेरियर का हिंदी हो गया। और इनफेरियर से जो नाउन बना है इनफेरियोरिटी, इनफेरियोरिटी जिसका हिंदी होता है घटियापन, घटियापन। नेक्स्ट आप लोगों के पास एडजेक्टिव दिया गया है आइडल, आइडल का मतलब होता है आलसी, आइडल का हिंदी यहाँ पे है आलसी। और इसी आइडल एडजेक्टिव से नाउन जो बना है उसका नाम है आइडलनेस, आइडलनेस जिसका हिंदी होता है आलस्य। आइडल से नाउन बना आइडल, आइडलनेस जिसका हिंदी होता है आलस्य। अगला आपके पास एडजेक्टिव है इग्नोरेंट, इग्नोरेंट जिसका हिंदी होता है अज्ञान। जो व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में नहीं जानता है, उस व्यक्ति को किसी चीज के बारे में जानकारी न हो या किसी टॉपिक, किसी विषय, किसी मुद्दा के बारे में जानकारी नहीं हो तो वह इग्नोरेंट हो गया, अज्ञान हो गया। और इसी इग्नोरेंट से जो एडजेक्टिव बना है वह है आपका एडजेक्टिव से नाउन बना है उसका नाम है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का हिंदी होता है अज्ञानता, अज्ञानता। नेक्स्ट एडजेक्टिव हम लोगों के पास है मेरे भाई कीन, KEEN, कीन का मतलब होता है उत्सुक, कीन का हिंदी मतलब होता है उत्सुक। और इस कीन से जो नाउन बना है उसका नाम है
किन ने से जिसका हिंदी होता है उत्सुकता। तो इस प्रकार से हम लोगों ने केवल वन साइड ही देखा है एडजेक्टिव से नाउन में बदलते हुए। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड साइड। आई होप आप लोग इन सभी वर्ड को भली भांति समझ पा रहे होंगे। हम आप लोगों के लिए बहुत सुविधा भी दिए हैं कि इंग्लिश तो हम लिखे भी हैं और साथ ही साथ प्रत्येक इंग्लिश वर्ड का हिंदी भी आपको हम बता रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखें, समझें और पढ़ाई का आनंद उठाएं, लाभ उठाएं। चलिए सेकंड साइड में आपके पास एडजेक्टिव है काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु और इस एडजेक्टिव से जो बना नाउन है काइंडनेस जिसका हिंदी होता है दयालुता। अगला बाबू वर्ड है आप लोगों के पास एडजेक्टिव है लॉन्ग। लॉन्ग का हिंदी होता है लंबा। लॉन्ग एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है लंबा और इस एडजेक्टिव से जो नाउन बना है उसका नाम है लेंथ। और लेंथ का हिंदी होता है लंबाई। नेक्स्ट एडजेक्टिव है हम लोगों के पास लॉयल। लॉयल का मतलब होता है वफादार। लॉयल का मतलब होता है वफादार। और इस लॉयल से जो नाउन बना है उसका नाम है लॉयलिटी जिसका हिंदी होता है वफादारी। नेक्स्ट एडजेक्टिव हम लोगों के पास है बाबू लोकल। लोकल का मतलब होता है स्थानीय। आप लोग भी अपने बातचीत में कभी कभी कहते होंगे यह मेरा लोकल फ्रेंड है, यह लोकल आदमी है, मतलब कि मेरे स्थान का है, मेरे स्थानीय आदमी है। तो उसी लोकल को यहाँ पे लिया गया है। लोकल का हिंदी हो गया स्थानीय और इसी लोकल एडजेक्टिव का जो नाउन बना है लोकालिटी, उस लोकालिटी का आपका हिंदी होता है इलाका। नेक्स्ट एडजेक्टिव बाबू है लेम। LAME लेम का हिंदी होता है लंगड़ा। एक पद से व्यक्ति विकलांग हो या दो पद से विकलांग हो तो उस विकलांग को ही यहाँ पे बोला गया है लंगड़ा और उसी का इंग्लिश मीनिंग होता है लेम जो एक एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव से जो हम बनाते हैं नाउन उसका नाम है लेमनेस जिसका हिंदी होता है लंगड़ापन। इसके अगला वर्ड हम लोगों के पास है मीन। एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मतलब कंजूस। और इस एडजेक्टिव से जो बना है नाउन उसका नाम है मीननेस जिसका हिंदी होता है कंजूसी। नेक्स्ट हम लोगों के पास एडजेक्टिव है मॉइस्ट। एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है नम। और इस मॉइस्ट से जो नाउन बना है मॉइस्चर जिसका हिंदी होता है नमी। मॉइस्चर वर्ड का उपयोग आप लोग बहुत करते भी होंगे जिसका हिंदी होता है नमी। नेक्स्ट एडजेक्टिव है मेरे भाई है मोरेटल। MORTAL मोरेटल का हिंदी होता है मरणशील। आप लोग सेंटेंस बोलते भी होंगे सभी व्यक्ति मरणशील होते हैं, मतलब कि इस धरती पे जिस भी जीव का विकास हुआ है उसका कहीं ना कहीं मरना तय है, यानी मरणशील व्यक्ति है, मरणशील प्राणी है, तो उसी को कहते हैं मोरटल। और मोरटल एडजेक्टिव से जो नाउन बना है मोरटैलिटी जिसका हिंदी होता है मदनशीलता। तो ये मोरटल एडजेक्टिव था जिसका हिंदी होता है मदनशील। इसके आगे हम लोग देखते हैं बाबू क्या वर्ड हम लोगों के पास है। तो आपके पास मोरल के बाद आता है मेरी। MERY मेरी एक एडजेक्टिव है और इस मेरी एडजेक्टिव का हिंदी आपका होता है मेरी। मेरी का हिंदी होता है प्रसन्न।
और इस मेरी से जो नाउन बना है मेरी मेंट, मेरी मेंट, जिसका हिंदी होता है आनंद, आनंद, आनंद। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों के पास है नोबल, NOBLE। नोबल का हिंदी होता है श्रेष्ठ, उत्तम। और इस नोबल एडजेक्टिव से जो बना नाउन है उसका नाम आपका है नोबिलिटी, नोबिलिटी, श्रेष्ठता, श्रेष्ठता। अगला एडजेक्टिव बाबू है नेसेसरी, नेसेसरी का हिंदी होता है आवश्यक। और इस नेसेसरी एडजेक्टिव से जो नाउन बना है उसका नाम है नेसेसिटी, नेसेसिटी, जिसका हिंदी होता है आवश्यकता, आवश्यकता। अगला हम लोगों के पास एडजेक्टिव है न्यू, NEW। न्यू का मतलब होता है नया, आप लोग जानते भी होंगे। और इसी न्यू एडजेक्टिव से जो आपका नाउन बना है जिसका नाम है न्यूनेस, तो न्यूनेस का हिंदी होता है नयापन, नयापन। अगला वर्ड बाबू एडजेक्टिव है वन, वन एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है एक, वन एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है एक। और इस वन एडजेक्टिव से जो बना नाउन है वह है वननेस, वननेस, वननेस का हिंदी होता है एकता, वननेस का हिंदी होता है एकता। आई होप मैं ऐसा आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें बहुत अच्छी से समझ में भी आ रही होगी। आगे देखते हैं बाबू, ओबीडियंट, ओबीडियंट का हिंदी होता है आज्ञाकारी। आप लोग अपने स्कूल में जब लेटर या निबंध लिखते थे तो आप याद कीजिए उस पेज के अंतिम में लेफ्ट साइड में लिखा जाता था योर ओबीडियंट स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी छात्र। तो यहाँ पे आज्ञाकारी को कहा गया है ओबीडियंट। ओबीडियंट एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है आज्ञाकारी। और इसी ओबीडियंट से जो नाउन बना है उसका नाम है ओबीडियंस, ओबीडियंस, जिसका हिंदी होता है आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों के पास है परफेक्ट, परफेक्ट एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है पूर्ण, दैट मीन्स कम्प्लीट, या आप कह सकते हो सही भी कह सकते हो। तो परफेक्ट का दो हिंदी होता है, एक होता है हिंदी पूर्ण और एक हिंदी होता है सही। इसी परफेक्ट एडजेक्टिव से जो नाउन बना है उसका नाम है परफेक्शन, परफेक्शन, जिसका हिंदी होता है पूर्णता, पूर्णता, पूर्णता। नेक्स्ट एडजेक्टिव आपके पास है पुअर, POOR। पुअर का हिंदी होता है गरीब, आप जानते भी होंगे। और इसी पुअर एडजेक्टिव से जो नाउन बना है उसका नाम है पोवर्टी, पोवर्टी, जिसे कहा जाता है हिंदी में गरीबी। पुअर एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी गरीब हुआ। और इसी एडजेक्टिव से बना नाउन जो है पोवर्टी, पोवर्टी का हिंदी होता है आपका गरीबी। और अंतिम आज के वीडियो का वर्ड एडजेक्टिव आपके पास है प्राउड, प्राउड का हिंदी होता है घमंडी, घमंडी, घमंडी। तो प्राउड एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव का जो नाउन है प्राइड, तो प्राउड का हिंदी होता है गर्व। ध्यान से बाबू, प्राउड आपका एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव का जो नाउन हमने बनाया वह नाउन है प्राइड, प्राइड का हिंदी हो गया गर्व। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव का यह आपका तीसरा लेक्चर, तीसरा वीडियो हम लोगों का होता है समाप्त। यह थर्ड वीडियो है एडजेक्टिव से नाउन को बनाने का तरीका के बारे में। इसमें हमने बहुत से ऐसे वर्ड लिए हैं जिसमें मैंने बताया कि किस किस एडजेक्टिव को आप नाउन में कन्वर्ट करोगे तथा उस एडजेक्टिव का नाउन क्या होता है, वे सब दिए गए हैं। इसका अगला वीडियो भी आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। इसका एक और वीडियो मैं बना के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो यह वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा
कमेंट में अवश्य हमें सुझाव दें तथा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाने का प्रयास करें ताकि जो भी बालक नहीं पढ़ रहे हैं वे अपने पढ़ाई को ध्यान में रख के पढ़ाई करें। धन्यवाद।